सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप ऑफ द सेम डाया मीटर इफ़ देअ कॉमन डाया मीटर इज फिफ्टी सिक्स मीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज सिक्स मीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबोव द ग्राउंड इज ट्वेंटी सेवन मीटर फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज इन मेकिंग टेंट इस क्वेश्चन में बेटा हमें कहा गया है कि एक सर्कल टेंट है जो किस शेप में है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप उसका लोअर पोर्शन सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर एक टॉप है कौन, कौन शेप का एक टॉप लगाया हुआ है ऑफ द सेम डायमीटर ओके तो पहले बेटा इस इंफॉर्मेशन से हमारी फिगर ड्रॉ होगी विल ड्रॉ द फिगर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कौन और सिलेंडर का या कव सरफेस एरिया ओके सो लेट इस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका लोअर पोर्शन ड्रॉ करेंगे जो कि किस शेप में बेटा सिलेंड्रिकल शेप में देखो बच्चे ये सिलेंड्रिकल शेप का मैंने इसका लोअर पोर्शन ड्रॉ कर दिया अब बेटा जब हम टेंट में कैनवास यूज करते है कैनवास होता है बेटा एक कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के लिए यूज होता है तो कैनवास कहाँ कहाँ यूज हो रहा है जनरली आपने देखा होगा बेटा जब भी कहीं टेंट लगता है तो ग्राउंड पे तो कालीन होती है ना कारपेट होता है या फिर ऐसे ग्राउंड दिख रहा होता है यहां तो कैनवास यूज नहीं होता और अगर सिर्फ ये सिलेंडर होता तो उसके टॉप पे कैनवास यूज हो जाता लेकिन इस सिलेंडर के के ऊपर क्या है कोन भी है एक कॉनिकल टॉप है तो यह, यहाँ पर भी कोई कपड़ा यूज नहीं हुआ कैनवास यूज नहीं हुआ तो हम इसमें बेटा सिलेंडर का कौन सा एरिया एरिया लेंगे टोटल सरफेस अब सी एस से क्या होता है टी एस से क्या होता है टोटल सर्फिस एरिया क्या होता है जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है सिलेंडर की जब इस सारी सर्फिस को इंक्लूड करते हैं तो हम टोटल सर्फिस एरिया लेते हैं जैसे इसमें ये वाली राउंड सर्फेस और साथ में ये दोनों फ्लैट सर्कल भी ले लेते हैं लेकिन इस केस में हमने फ्लैट सर्कल को नहीं लेना तो हम सिर्फ सी एस ए लेंगे सी एस ए में बेटा नहीं ली जाती यानी कि इसमें ऑफ हम सिलेंडर लेंगे क्योंकि इसमें वाला सर्कल भी इंक्लूड नहीं हो रहा और अपर सर्कल भी सिलेंडर का इंक्लूड नहीं हो रहा ओके तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें सी एस एफ सिलेंडर लेना है और उसके अलावा कौन का कौन सा एरिया लेंगे टीएसए या सी एस एगे देखो बेटा न का भी बेस हम नहीं ले रहे जैसे कौन का टी एस ए क्या होता है जिसमें ये ये वाला एरिया होता है और प्लस एरिया ऑफ बेस होता है लेकिन एरिया ऑफ बेस तो हम नहीं ले रहे ना, क्योंकि यहां से तो ओपन है तो इसमें भी सीएसए ऑफ ओनली सी कौन का भी ओनली सी एस ए लिया जाएगा फाइन तो अब हम डायमेंशन लिख लेते हैं हमें कहा कि सर्कल स्टैंड इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर जो कि हमने बना लिया सर माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप कॉनिकल टॉप भी हमारे पास है ऑफ द सेम डायमीटर जिनका डायमीटर सेम है बेटा डायमीटर सेम है तभी ये ओवरलैप कर पा रहा है एक दूसरे के ऊपर एकदम फिट आ गया यानी कि बेस इक्वल है अब वो कॉमन डायमीटर क्या दिया यानी कि जो सेम डायमीटर वो कितना गिवन है फिफ्टी मीटर अगर बेटा ध्यान रखो अगर डायमीटर सेम है ना तो इनके रेडियस भी सेम होंगे बिकॉज रेडियस जो होता है ना डायमीटर का हाफ होता है तो कॉमन डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कॉन 56 मीटर है सो कॉमन रेडियस क्या रहेगा 56 सिक्स अपॉन टू फिफ्टी सिक्स अपॉन टू यानी कि 28 मीटर सो रेडियस कॉमन रेडियस कितना हो गया 28 मीटर कॉमन रेडियस कॉन और सिलेंडर दोनों का अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज सिक्स मीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना यहां से लेके यहां तक है उसकी हाइट कितनी देर रखिए बेटा इट इज गिवन टू बी सिक्स मीटर फाइन और आगे क्या लिखा है द टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबोव द ग्राउंड इज ट्वेंटी सेवन मीटर अब ग्राउंड कहा है ये रहा ग्राउंड यहां से लेके यहां तक की हाइट टोटल हाइट कितनी है बेटा इट इज ट्वेंटी सेवन मीटर टोटल हाइट हमें ट्वेंटी सेवन मीटर दी है टेंट की पूरे टेंट की जिसमें मतलब सिलेंडर की हाइट भी इंक्लूड हो रही है कोन की भी ओके तो टोटल हाइट ऑफ टेंट 27 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 6 मीटर इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं एच से ले लेता तो, हूँ और जो कोन स्मॉल एच से ले लिया और कोन की हाइट को हम कैपिटल एच से ले, ले लेते हैं और बेटा ध्यान रखने की एक बात और है कोन में दो तरह की हाइट होती है एक होती है वर्टिकल हाइट जो ये है और उसके अलावा यहाँ पर एक सलांट हाइट भी होती है ये वाली जो देखो बेटा मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ ये सलान टाइट है ओके एल फोर सलान टाइट ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ओके तो हाइट ऑफ द कोन क्या अब पहले तो हम वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन डिटरमाइन करते हैं कि क्या रहेगी टोटल हाइट कितनी है इसकी टेंट की ट्वेंटी सेवन अगर ट्वेंटी सेवन में से बेटा ये वाला पोर्शन माइनस कर दे हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस कर दे तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगी देखो अगर मैं पूरा यहाँ से इसको ए बी लिख दू ओके ए बी लिख दिया तो ये हाइट ऑफ द टेंट हो गई उसमें से सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कौन सी है सी बी ये मैंने सी मार्क करा है सी बी अगर सी बी ए बी में से अगर सी बी माइनस करते तो हमें ए सी यानी कि हाइट ऑफ द कॉन मिल जाती है तो हाइट ऑफ द कॉन क्या होगी टोटल हाइट ऑफ द टेंट माइनस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तो ट्वेंटी वन मीटर ये हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हो गई ओके अब एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड क्या हुई मैंने अभी भी आपको बताया कि इसमें हम क्या लेंगे ऑफ सिलेंडर और सी एस एफ कौन ये मैं बता चुका हूं क्यों लेंगे क्योंकि जो कैनवास यूज हो रहा है ना वो ओनली दोनों की कर्व पे हो रहा है, उनके बेसिस पे नहीं हो रहा ये मैं एक्सप्लेन अभी आपको कर चुका हूं तो पहले हम लिखते हैं इसमें लिखते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ऑफ कौन प्लस ऑफ कौन अब सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा होता है टू पाई आर एच ये फॉर्मूला आपको बेटा माइंड में रखना होगा लर्न करना होगा और सी एस एफ कौन पाई आर एल अब बेटा इस फॉर्मूला में कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा लाइक पाई और आर दोनों में है दोनों का रेडियस सेम था तो रेडियस को मैंने, मैंने आ लिया तो अगर मैं पाई आर कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचता है बेटा कॉमन ले गया अब इन ब्रैकेट रहेगा टू एच टू एच प्लस एल फोरुलेट करता एक फॉर्मुला होता है विच इज इक्वल टू एल इक्वल टू आर स्क्र प्लस एच स्क्र ये फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना होगा फाइन एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अब

अब अब का का होता होता है बेटा, 784, और 21 square होता है है बेटा बेटा और और इन दोनों को add करेंगे तो बेटा, आएगा तो आएगा हमारे पास अगर हमारा ना की क्या रहेगी जब भी इधर स्क्र होता है ना बेटा एल एच एस में तो हम एल की अगर वैल्यू निकालनी जैसे variable, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम स्क्र रूट ऑफ आर एच एस ले लेते हैं तो स्क्वेयर रूट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हो जाएगा जो कि बनेगा बेटा थर्टी फाइव मीटर तो सलाइट हमारी कितनी होगी थर्टी फाइव मीटर तो अब हम वैल्यू डालते हैं अब फॉर्मूला में और फिर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा अब पाई क्या है ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस ऑफ द बेस ट्वेंटी एट और ब्रैकेट में टू इंटू एच एच स्मॉल एच है यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर लेना ये ध्यान रखना बेटा टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस एल एल फोर स्लानाइट और आई बेटा थर्टी फाइव दी हुई है ये हमने फाइंड करी है ओके okay. तो अब देखो बेटा इसको ट्वेंटी एट और सेवन को हम कट कर दें तो यहां पर बचता है फोर अब ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय फोर कितना होता है एटी एट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अब टू मल्टीप्लाई सिक्स कितना होगा ट्वेल्व और ट्वेल्व प्लस थर्टी फाइव ओके सो एटी एट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा एटी एट मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सेवन और एटी एट को अगर हम फोर्टी सेवन से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स सो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर टू मेक दिस टेंट इज़ फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स स्क्वेयर मीटर